नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है शांत विचारों की ठोस शक्ति। हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक उद्वेग युक्त और दूसरा शांत, भय क्रोध शोक लोभ आदि मनोवेगों से पूरित विचार उद्वेग युक्त विचार है और जिसके विचारों में मानसिक उद्वेगों का अभाव रहता है उन्हें शांत विचार कहा जाता है। हम साधारण विचारों के बल को उससे संबंधित उद्वेगों से ही नाप पाते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कोई बात कर रहा है तो हम समझते हैं कि वह व्यक्ति अवश्य ही कुछ कर दिखाएगा, पर क्रोधातुर व्यक्ति से उतना अधिक डरने का कारण नहीं जितना कि शांत मन के व्यक्ति से डरने का कारण है। भावावेश में आने वाले व्यक्तियों के निश्चय सदा डावाडोर रहते हैं। भावों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के निश्चय स्थिर रहते हैं। वह जिस काम में लग जाता है उसे पूर्ण करते दिखाता है। उद्वेगपूर्ण विचार व्यक्तित्व होते हैं, उनके मानसिक शक्ति के व्यक्तित्व होती है। शांत विचार बृहद मन के विचार है, उनकी शक्ति अपरिमित होती है। मनुष्य जो निश्चय शांत मन से करता है उसमें परमात्मा का बल रहता है और उसमें अपने आप को फलित होने की शक्ति होती है। अतएव जब कोई व्यक्ति अपने अथवा दूसरे व्यक्ति के लिए कोई निश्चय करता है और अपने निश्चय में अविश्वास नहीं करता तो निश्चय अवश्य फलित होता है। शांत विचार सृजनात्मक और उद्वेगपूर्ण विचार प्राय विनाशकारी होते हैं। किसी भी प्रकार के विचार में अपने आप को फलित करने की शक्ति होती है, पर यह शक्ति संदेह के कारण नष्ट हो जाती है। जिन विचारों का हेतु व्यक्तित्व होता है उनमें अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं, अतएव उनके विचार की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं लाता तो वे विचार स्वयं ही फलित हो जाते हैं। संदेहों को रोकने के लिए अपने आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास होना आवश्यक है। अपने आप की अनुकूलता ईश्वरी और प्रकृति की अनुकूलता के विश्वास के रूप में मनुष्य की चेतना को संक्षिप्त आती है। यह भावनाएं अच्छे तन मन की अनुभूति के प्रतिभास मात्र है। मनुष्य अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार अनेक प्रकार की कल्पनाओं को रचता है। इन कल्पनाओं की वास्तविकता उसकी अज्ञात वास्तविक प्रेरणा पर निर्भर करती है। कल्पनाएं वैसी हो आती है जैसी उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है। मनुष्य की प्रेरणा ही उसे आदर्शवादी और निराशावादी बनाती है, अर्थात मन का जैसा रुख रहता है उसी प्रकार की कल्पनाएं मन करने लगता है। ईश्वरवादी विश्वास करने लगता है कि ईश्वर उसे आगे ले जा रहा है और जड़वादी विश्वास करने लगता है कि प्रकृति उसे आगे ले जा रही है। प्रकृति और अप्रकृति के सभी प्रमाण मनुष्य के रूप पर निर्भर रहते हैं। गंभीर परिस्थितियों में मन का शांत रहना उस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को किसी बाहरी व्यक्ति का सहारा मिल गया है। शांत मन रहने के से प्रतिकूल परिस्थितियां थोड़े ही काल में अनुकूल परिस्थितियों में परिणत हो जाती है। शांत लोगों की शक्ति का दूसरे लोगों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में हमारी ही शक्ति दूसरे की शक्ति के रूप में प्रकाशित होती है।
यदि किसी व्यक्ति का निश्चय इतना दृढ़ हो कि चाहे जो परिस्थितियां आवे उसका निश्चय नहीं बदलाएगा तो वह अवश्य ही दूसरे व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित करने में समर्थ होगा। जितनी ही किसी व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता होती है उसके विचार उतने ही शांत होते हैं और उसकी दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। शांत विचारों का दूसरों पर और वातावरण पर प्रभाव धीरे धीरे होता है। उद्वेगपूर्ण विचारों का प्रभाव तुरंत होता है। हम तुरंत होने वाले प्रभाव से विस्मृत होकर यह सोच बैठते हैं कि शांत विचार कुछ नहीं करते और उद्वेगपूर्ण विचार ही सब कुछ करते हैं। पर जिस प्रकार किसी बीज का वृक्ष रूप में परिणत होने के लिए शांत शक्तियों को काम करने की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार की किसी विचार को फलित होने के लिए शांत होने की आवश्यकता होती है और उसका कार्य आवश्यक जगत में होता है। शांत विचारों से शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाते। लेखक का एक मित्र 20 वर्ष के युवक को चुका था। इस समय भी वह ऊंचाई और मोटाई में एक 14 वर्षीय बालक के समान लगता था। उसने किसी शुभ चिंतक के सुझाने पर नियमित रूप से व्यायाम करना प्रारंभ किया। थोड़े ही दिनों में वह 4 इंच बढ़ गया और उसका शरीर भी पुष्ट हो गया। उसकी समझ की कि व्यायाम से उसे बता दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यायाम से उसे लाभ हुआ, पर उससे भी अधिक लाभ उसके निश्चय से हुआ। इस निश्चय के कारण प्रतिदिन के शांत विचार उसकी भावना को प्रयत्न करते गए और उस प्रकार उसके शरीर में मौलिक परिवर्तन होते गए। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर तथा दूसरे के ऊपर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन को ही बदल देते हैं। जैसे हमारे मन की बनावट होती है वैसे ही हमारा कार्य होते हैं और हमारी सफलता भी उसी प्रकार की होती है। हम अनायास ही उन कार्यों में लग जाते हैं जो हमारे प्रकृति के अनुकूल है और उन कार्यों से डरते रहते हैं तो जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में ही है। यह अपने शांत विचारों के कारण बदला जा सकता है। स्वभाव के बदल जाने पर मनुष्य की किसी अविशेष प्रकार का कार्य करना सरल हो जाता है। जिस काम को मनुष्य अपने आंतरिक मन से नहीं करना चाहता वह दिखावे के रूप में उसे बाध्य होता है तो उसे अनेक प्रकार की रुकावटें उत्पन्न होती है। यह रुकावट उसे दर्शाती है कि तुम्हारा आंतरिक मन उक्त काम के प्रतिकूल है। शांत होकर यदि मनुष्य अपने किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे तो वह उसका कारण अपने आप ही पावेगा। जो काम अनुअग्निग्न मन होकर किया जाता है उसके आत्मविश्वास रहता है और उससे सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन द्वारा विचार करने से स्मृति तीव्र हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। शांत विचारों का चेतन मन ही नहीं होता। शांत विचार ही आत्मनिर्देश शक्ति है। उस विचारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का नियंत्रण करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी ही नियंत्रित होती है, जिस मनुष्य में जितनी वैराग्य की अधिकता होती है उसके शांत विचारों की शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होती है। जो मनुष्य अपने भावों के वेगों को रोक लेता है वह
उन वेगों की शक्ति को मानसिक शक्ति के रूप में परिणत कर लेता है। इच्छाओं की वृद्धि से इच्छा शक्ति का बल कम होता है और उसके विनाश से उसकी शक्ति बढ़ती है। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाओं जितनी ही अधिक होती है उसे भय, चिंता, संदेह और मोह भी इतने ही अधिक होते। भय, चिंता, संदेह और मोह से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति का नाश होता है। अतएव ऐसे व्यक्ति के संकल्प फलित नहीं होते। वह तो काम हाथ में लेता है, उसे पूरे मन से नहीं करता। अधूरा काम अथवा आधे मन के से किया गया काम कभी सफलता नहीं लाता। अधिक मन से किए गए कार्य में मनुष्य का चेतन मन से कार्य करता है और अचेतन मन उसकी सहायता के लिए अग्रसर नहीं होता। ऐसी अवस्था में मनुष्य को शीघ्रता से थकावट आ जाती है और वह अपने कार्य को अधूरा छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। जिस प्रकार शांत विचार मनुष्य के स्वभाव को बदल देते हैं और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार दूर रहने वाले व्यक्ति के हृदय को भी प्रभावित करते हैं। एकांत में हम किसी भी व्यक्ति का चिंतन करके उसके मन से अपने मन का संबंध जोड़ सकते हैं। वैसा करने पर हम उससे वही विचार करवा सकते हैं जो कराया आप चाहते। किसी व्यक्ति के प्रति नित्य प्रति हमारे हृदय में आने वाले विचार उस व्यक्ति को प्रभावित करते, वह हमारे विषय में भी वैसा सोचने लगता है जैसा कि हम उसके विषय में सोचते हैं। जितना ही हम उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि रेडियो की लहरों की भ्रांति विचारों की लहर दूर दूर के लोगों का प्रभावित करती है, उतना ही हम प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। दूसरों के कल्याण के विचार जितने बली होते हैं उसके अकल्याण के विचार नहीं होते। अतएव कल्याण के सभी विचारों से आवश्यक लाभ होता है। अखंड ज्योति दिसंबर 1985 से पृष्ठ 20। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।